सभापति महोदय, ये जहाँ तक इंटरनेट सेवाओं को लागू करने का सवाल है, इस पर उचित समय पर वहाँ के प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कश्मीर में पड़ोसी देश के द्वारा भी बहुत सारी गतिविधियाँ चलती रहती है और वहाँ की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा को देखकर ही ये निर्णय लिया जा सकता है। तो जब वहाँ के प्रशासन को उचित समय लगेगा वो मीटिंग कर बताएंगे, तब इस पर हम निर्णय करेंगे। आजाद साहब ने कंसर्न व्यक्त करी, इसके साथ मैं सहमत हूँ। इंटरनेट आज की जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए। मगर उन्होंने भूतकाल की बात करी, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में मोबाइल आया लगभग लगभग 95, 96, 97 के आसपास मोबाइल शुरू हुआ। आजाद साहब आपको याद होगा कि कश्मीर में मोबाइल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार शुरू किया, तब तक सुरक्षा कारणों से शुरू नहीं। इंटरनेट को भी कई सालों तक रोका गया, 2002 से वहां इंटरनेट की परमिशन दी गई। मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि ये बात ठीक है कि सूचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है, परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा, हम तुरंत इस पर पुनर्विचार करेंगे। నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి, అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్, ఫాలో ఆన్ ఫేస్బుక్, గూగుల్ ప్లస్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ.